हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस टाइम में एलन ट्यूरिंग नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक क्वेश्चन प्रपोज किया। क्वेश्चन था, क्या मशीन सोच सकता है ह्यूमन के जैसा? और ये 1950 की बात है। 1950 में उन्होंने इस क्वेश्चन को प्रपोज किया कि क्या मशीन सोच सकता है या नहीं ह्यूमन के जैसा। इसको परफॉर्म करने के लिए उन्होंने एक टेस्ट को परफॉर्म किया और उसी टेस्ट का नाम है ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या होता है, कैसे इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब भी ट्यूरिंग टेस्ट को परफॉर्म करना हो तो उसमें 3 टर्मिनल होने चाहिए, जिसमें 2 ह्यूमन होंगे और 1 कंप्यूटर होगा। एक ह्यूमन इसमें से क्वेश्चन करेगा और एक कंप्यूटर और एक ह्यूमन जो है ना उस क्वेश्चन का आंसर को रिस्पॉन्ड करेगा। तो जो बीच वाला पर्सन है ये क्या कर रहा है, क्वेश्चनर है जो क्वेश्चन करेगा, और जो दोनों लास्ट वाला टर्मिनल है ये रिस्पॉन्ड करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेगा, जो इंटरोगेटर है आइडेंटिफाई करेगा। और यहाँ से हम लोग इस टेस्ट के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि मशीन इंटेलिजेंट हो सकता है या नहीं, क्या मशीन ह्यूमन के जैसा सोच सकता है या नहीं। तो पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एलन ट्यूरिंग इन 1950। 1950 में एलन ट्यूरिंग के द्वारा सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ट्यूरिंग टेस्ट इज यूज्ड टू चेक वेदर ए मशीन कैन थिंक लाइक ह्यूमन और नॉट। ट्यूरिंग टेस्ट को यूज करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि मशीन ह्यूमन के जैसा सोच सकता है या नहीं। द ट्यूरिंग टेस्ट रिक्वायर्स 3 टर्मिनल। ट्यूरिंग टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 3 टर्मिनल चाहिए, ईच ऑफ विच इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर टू, और प्रत्येक टर्मिनल बाकी 2 से सेपरेट होना चाहिए, कंप्लीटली सेपरेट होना चाहिए। 1 टर्मिनल इज ऑपरेटेड बाय कंप्यूटर व्हाइल अदर 2 आर ऑपरेटेड बाय ह्यूमन, जिसमें 3 टर्मिनल में से 1 टर्मिनल पे कंप्यूटर होना चाहिए और 2 टर्मिनल पे ह्यूमन होने चाहिए। ड्यूरिंग द टेस्ट वन ऑफ ह्यूमन फंक्शन एज क्वेश्चनर। टेस्ट के दौरान उन दोनों में से एक ह्यूमन क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चनर होगा जो क्वेश्चन करेगा, व्हाइल द सेकंड ह्यूमन एंड द कंप्यूटर फंक्शन एज रिस्पोंडेंट, जबकि कंप्यूटर और सेकंड जो ह्यूमन है वो जो है ना रिस्पोंडेंट की तरह बिहेव करेगा। अब ये डिफरेंस डिफिनेशन हो गया ट्यूरिंग टेस्ट का, जिसको आप समराइज करके बोल सकते हैं कि एलन ट्यूरिंग ने 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं या पता करने के लिए कि कंप्यूटर मशीन के मशीन जो है ना ह्यूमन के जैसा सोच सकता है या नहीं सोच सकता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं जिसमें 1 कंप्यूटर और 2 ह्यूमन होते हैं, उसमें से 1 कंप्यूटर और 1 ह्यूमन रिस्पोंडेंट होते हैं, जबकि 1 उसमें ह्यूमन होता है वो क्वेश्चनर होता है जो इंटरोगेटर होता है। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं ट्यूरिंग टेस्ट कैसे होता है। इसमें एक क्वेश्चनर है जो प्लेयर सी है वो क्वेश्चन करेगा, प्लेयर ए और प्लेयर बी जो है ना ये आंसर रिस्पोंड करेगा क्वेश्चनर को, और वहां से जो इंटरोगेटर है प्लेयर सी है वो ये पता करेगा कि कौन कंप्यूटर है और कौन ह्यूमन है। परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे इंटरोगेटर एक क्वेश्चन पूछता है, आर यू ए कंप्यूटर, ये क्वेश्चन दोनों से पूछता है क्योंकि तीनों टर्मिनल एक दूसरे से सेपरेट है वॉल से, कोई किसी को देख नहीं सकता है कि कौन किसका आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे जो प्लेयर ए है वो कहता है नहीं, इसका आंसर नो आता है, और जो प्लेयर बी है उसका भी आंसर नो आता है। अब यहाँ पे जो प्लेयर सी है जो इंटरोगेटर है इसको ये पता करना काफी मुश्किल होता है कि दोनों में नो आंसर किसका है, कि दोनों का आंसर क्या है सेम है। फिर क्वेश्चन करता है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 45952 इनटू बाइनरी, तो नंबर दिया गया है इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। आफ्टर ए लॉन्ग पॉज, यानी कि पॉज के बाद जो है ना आंसर देता है कंप्यूटर, जो प्लेयर ए है वो आंसर देता है रॉन्ग आंसर, जो भी आंसर देता है वो रॉन्ग होता है। ठीक उसी प्रकार से जो प्लेयर बी है वो भी लॉन्ग पॉज के बाद जो है ना आंसर देता है, लेकिन उसका भी आंसर क्या होता है रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर भी दोनों का आंसर क्या है सेम है, दैट मीन्स कि दोनों का आंसर रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये पता नहीं कर पाता है कि कौन सही आंसर करेगा कौन गलत, और दोनों में कौन आंसर किसका है, दोनों तो रॉन्ग ही दिए हैं लेकिन किसका आंसर है ये पता करने में फेल होता है कौन, इंटरोगेटर। तो फाइनली जो रिजल्ट आता है, इन दिस गेम If an interrogator would not be able to identify which is machine, अगर interrogator ये identify नहीं कर पाता है कि कौन मशीन है और कौन ह्यूमन है, then the computer passes the test successfully. अगर ये identify नहीं कर पाया कि कौन answer मशीन का है कौन answer ह्यूमन का है,
तो हम लोग कहेंगे कि कंप्यूटर जो है ना इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर गया एंड द मशीन इज सेड टू बी इंटेलिजेंट। और मशीन को हम लोग इंटेलिजेंट कह सकते हैं, दैट मीन्स एंड कैन थिंक लाइक ह्यूमन, और वह मशीन जो है ना ह्यूमन के जैसा फैसो सकता है। तो सिंपल में कहें ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, तो ट्यूरिंग टेस्ट ये पता करने के लिए हम लोग करते हैं कि क्या कंप्यूटर इंटेलिजेंट है या नहीं, कंप्यूटर ह्यूमन के जैसा सोच सकता है या नहीं। और इसको इन्वेंट किए थे 1950 में एलन ट्यूरिंग ने। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं और तीनों टर्मिनल में एक इंटरप्रेटर होता है और एक कंप्यूटर होता है और एक ह्यूमन होता है जो रिस्पॉन्ड करता है। अगर इंटरप्रेटर ये पता करने में फेल होता है कि कौन मशीन है और कौन ह्यूमन है, तो इस टेस्ट को कंप्यूटर पास करता है और हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर इंटेलिजेंट है और मशीन के जैसा सोच सकता है।